क्या कह रही हैं, जरा उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। क्लिप चलाइएगा टीम। विराट में ऐसी क्या चीज़ है जो बाबर में नहीं है? He is sexy. Bobber is not sexy. He looks like my brother. तो I think तक हमने इंडिया के साथ 8 मैच खेले हैं, उसमें से सिर्फ एक जीते, कितने शर्म वाली बात है। लानत है पाकिस्तानियों तुम पे, लानत है। कोई पाकिस्तान से बारिश हो रही होगी इसलिए जीत गया। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। पाकिस्तानी टीम के तो वैसे ही प्लेयर्स बहुत अनफिट हैं, किसी का टेढ़ा निकला। मेरा रिश्ता भेज दे इंडिया से, मैं कर लूंगी। बच्ची बहुत प्यारी है, देख ले। आप हमें बताइए ना, क्वेश्चन जानेंगे कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। पाकिस्तान से हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। पाकिस्तान ने मतलब हम जैसी प्यारी प्यारी लाहौरी लड़कियों का दिल तोड़ दिया। भैया कल पाकिस्तान मैच जीत के भी वर्ल्ड कप हार गया है। पाकिस्तान की जो इस बार परफॉर्मेंस रही है वो एकदम घटिया रही है, निम्न दर्जे की रही है। हाय अल्लाह। खैर पाकिस्तानी तो खुद ही घटिया है, तो इनका प्रदर्शन भी घटिया ही रहेगा। हाय अल्लाह। तो वर्ल्ड कप से पाकिस्तान का पत्ता कट गया। पाकिस्तान टीम अब आएगी घर, इनका स्वागत करेंगे ताजा ताजा अंडे, सुनते जाइए सड़े टमाटर, सुनते जाइए जूते, सुनते जाइए इंक। ऐसा सुनने में आया मेरे को ये तो होगा कि पाकिस्तानी आवाम एयरपोर्ट पे इंतजार कर रही है ये सब लेके। अब पता नहीं कितना होता है या कितना नहीं होता है, ये तो वक्त बताएगा। सही बात है। लेकिन पाकिस्तानी लड़कियों का दिल टूट गया बिचारियों का। अरे हाँ भाई हाँ। हंस हंस के अपने दुख बयान कर रही है, जिसको देखने के बाद में आपको आएगा मजा। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। चलो भाई। स्पेशली नसीम शाह ने। नसीम शाह तो बड़ा प्यारा है। नसीम तो प्यारा, उसने तो कुछ नहीं किया, वो बेचारा तो रोता रहा था। नसीम की फैन है। अच्छा वो बेचारा हो गया। नसीम तो लव है, नसीम लव है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी टीम ने अच्छा नहीं किया, पाकिस्तानी टीम ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। नहीं सुपर 8 में भी नहीं जा पाई ना। बिल्कुल इंडिया से जैसे हारी वो मैच, आप लड़कियों ने देखा था? मैंने शर्ट लगा दी थी, मैं इंडिया के साथ ही मैं 5,000 रुपए जीत गई थी। वाह आपने जीते के गवाए। मैंने कोई शर्ट नहीं गवाती, शर्ट लगा ली थी इसलिए 5,000 रुपए जीत। यकीन नहीं था अपने प्लेयर्स पे? मुझे यकीन था कि पाकिस्तान हारेगा। अच्छा वैसे हिस्ट्री है, पाकिस्तान धोखा ही दे रहा है। नहीं नहीं वैसे हिस्ट्री है, अब तक हमने इंडिया के साथ 8 मैच खेले हैं, उसमें से सिर्फ एक जीते, कितने शर्म वाली बात है। कोई पाकिस्तान से बारिश हो रही होगी इसलिए जीत गया। बारिश हो रही होगी इसलिए जीत, प्लस पॉइंट मिल गया। हां एग्जैक्टली। अच्छा क्रिकेट में टीम इंडिया को कितना अहमियत दे रहे हैं आप, कितना फेवरेट है वो आपकी टीम इंडिया? वैसे तो फेवरेट नहीं है, लेकिन अब वो जीत रही है तो ऑब्वियसली उसके बारे में कुछ कह तो नहीं सकते। मतलब पाकिस्तान से तो अच्छा ही रह रही है, मतलब जो जीतेगा हम उसके साथ हैं। जो जीतेगा हम उसके साथ हैं। ऐसा ही है, जो जीतेगा मैं उसी के साथ हूँ। टीम इंडिया बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रही है, अब तक उसने 3 मैच खेले, तीनों के तीनों जीते, चौथे मैच में बारिश होगी तो वैसे उनको प्लस प्लस पॉइंट मिल गया। इंडिया इज अनबीटेबल इन T20 वर्ल्ड कप। आपको क्या लगता है कि इतनी जो पावर है, इतनी जो परफॉर्मेंस है, उनकी बैटिंग बॉलिंग को देख के क्या लग रहा है, कैसे तैयारी करके आए हैं वो? मुझे तो अगर सही बात बताऊँ ना, मुझे हमेशा ही इंडिया ही पसंद है। पता नहीं मैं क्यों पाकिस्तान में हूँ, मतलब पाकिस्तान हमेशा ही हारता है एक तरह के इंडिया के साथ, मतलब इंडिया ही सही है। अच्छा कह रही है मुझे इंडिया पता नहीं क्यों पसंद है, ये आपको भी नहीं पता। अच्छा चलो अगर डिनर या लंच का मौका मिले आपको, इंडिया के किस प्लेयर के साथ डिनर या लंच करेंगे? विराट कोहली। रहा नहीं जाता, तड़प ही रहती है ना। अच्छा पहला सवाल क्या आपके जहन में आ रहा है कि आप उनसे पूछेंगे? क्या इतने प्यारे कैसे हैं? आप क्या कहेंगे? सोचिए सीन क्रिएट करते हैं, आपके सामने विराट और डिनर या लंच का मौका मिल गया आपको, कुरानदाजी में आपका नाम निकल आया। नहीं सोचवाए भी ना मुझे ऐसे। विराट कोहली से डिनर करना तो बहुत दूर की बात है, विराट कोहली के रेस्टोरेंट का बिल देख के ना तुम पाकिस्तानियों की फट के फ्लावर हो जाएगा, तुम्हारा पूरा पाकिस्तान बिक जाएगा, बिल नहीं दे पाओगे। विराट कोहली के साथ लंच करेंगे, खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनखा 550, कंधे पे टांगे राइफल। विराट कोहली है वो, विराट कोहली क्या है, विराट कोहली, समझ में आया? पाकिस्तानी टीम के तो वैसे ही प्लेयर्स बहुत अनफिट हैं, किसी का टेढ़ा निकला। बंदा पर भी इंडिया वालों भी सकता है, क्या करे आजम खान। और क्या बंदा, वो सिर्फ वहाँ खाने जा सकता है और कुछ नहीं। पाकिस्तानी लड़कियाँ कह रही है कि हमारे क्रिकेटर इतने अनफिट है, इनको तो छोड़ ही दो। इंडिया के लिए नहीं है सीरियसनेस वाला, घूम फिर रहे हैं वो, वहाँ एंजॉय करने गए, आइसक्रीम खा रहे हैं, पूरा पांडा लगता है। फूड पांडा, फूड
पांडा डिलीवरी ऐप है हमारे यहाँ, फिर इंसान का दिल तो फिर इंडिया क्रिकेटर भी आएगा ना। आप पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ इस वजह से नहीं जाना चाहेंगे डिनर या लंच पे कि वो फिट ही नहीं है? जो बात है, लुक्स दैट ऑल मैटर, लुक्स मैटर करती है। अच्छा, आपके सामने विराट कोहली बैठे हैं, डिनर या लंच का मौका मिल गया करते हैं ना, मैं तो नहीं क्या सवाल क्या पूछेंगे? चले सवाल क्या पूछ, सवाल क्या पूछना है, बस यही पूछ, क्या मुझे पहले क्यों नहीं मिले? क्या पूछेंगे? क्या मुझे पहले क्यों नहीं मिले? नहीं मिला तुम्हें? विराट में ऐसी क्या चीज जो बाबर में नहीं है? ही इज सेक्सी, बाबर इज नॉट सेक्सी, ही लुक्स लाइक माय ब्रदर। गजब बेइज्जती है, सॉरी। ओके, देखा जाए तो विराट कोहली खूबसूरत है, इंडियन है, हमारा हमसाया मुल्क है, हम प्यार करते हैं उनसे। नहीं, विराट का कंपैरिजन ही नहीं है बाबर से। बाबर को विराट के लेवल पे आने में कितने साल लग जाएंगे? यार सदियां, सात जन्म लेके आना पड़ेगा मेरे ख्याल से। मिला तो अब भी नहीं है, बस सपोज करना, उसे सपोज भी नहीं हो रहा ना, इतनी बड़ी पर्सनालिटी है कि सपोज भी बिल्कुल है वो, जब उनकी क्रिकेट को लेकर इतना सीरियसनेस है उनमें, तो हमारे प्लेयर्स में नहीं है, हम फिर उन्हें कोई फॉलो करेंगे, उनको क्यों करें आगे भी? अब एशिया की जितनी टीम्स है हम तो उन्हीं को फॉलो करें, और तो किसी को भी नहीं। अच्छा, पाकिस्तान बाहर निकल गया, अब आप किसको सपोर्ट करें? इंडिया। आप इंडिया है? इंडिया, मतलब ये भी पॉइंट है कि चलो वर्ल्ड कप एशिया के अंदर ही आया, जो बात है पड़ोसी मुल्क है, अब क्या कर सकते हैं, राइवलरी अपनी जगह, लेकिन खुशी तो हमें होगी ना अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा तो कोई मसला नहीं। एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैच आ रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया भी टीम अच्छी है, इंडिया की भी, आपके क्या प्रेडिक्शन है कौन विन करेगा? नहीं, जिस तरह इंडिया कूल एंड काम होके सॉर्टेड होके खेलता ना, तो मुझे लगता है इंडिया कर लेगा। अब 120 रन थे, हम नहीं बना सके, उन्होंने उसको भी रोक लिया, तो फिर वो आगे कुछ भी कर सकते हैं, उनके प्लेयर्स अच्छे हैं, उनके बॉलर्स अच्छे हैं, हम लोग क्या ही करते हैं यार, हम लोग कुछ भी नहीं करते, हम कुछ भी नहीं करते, मक्खियां मार रहे हैं। वो उसको खड़ा कर दिया था इमाद, वो पीछे बैठ के बातें करता है इमाद, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बॉल उससे छक्का को लगाया जाता नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? वो थपकी दे रही है यार, बस इतना कम पड़ा, बाकी दिल टूटा, ये जेन्युइन बात है। सारे बेचारे इतना शौक से ऐसे यूं बैठ के देखे जा रहे हैं, जब कुछ हो ही नहीं रहा तो क्या ही करना, बाद में घर वाले। दुआएं मांगी हम सब ने, हर दुआ, खाना ऑर्डर किया, पैसे जाया हुए। आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया में से किसको पॉइंट देंगी? मैं पॉइंट दूंगी, मुझे तो जैसे लगता है जिस तरह इंडिया की अभी लाइव परफॉर्मेंस देख चल रही है, तो आई थिंक इंडिया ही। अच्छा, इंडिया ही जीतेगा हमेशा से, क्योंकि विराट कोहली है, उसकी बंदी बैठ के उसको इतना चीयर अप कर रही है, कपल भी कितना एग्जैक्टली है, सही है। अच्छा, जो इंडियन ऑडियंस इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगी? आई लव यू सो मच, मुझे बुला रहे हैं, मेरा रिश्ता भेज दे इंडिया से, मैं कर लूंगी, बुला ले, बहुत प्यारी है, देख बुला ले। ये क्या कर रहे हैं, T20 में हर बार इन्होंने हारना होता है। हाँ। इंडिया इतनी अच्छी टीम है जो हर बार जीतती है, और इस बार भी हर चीज़ को विन कर रही है, हर मैच विन कर रही है, और ये पाकिस्तान है जो हर मैच ही हारी जा रहे हैं। अब सुपर 8 में भी जगह नहीं बनाई इन्होंने। जी ऐसा ही है, हर बार हारते हैं, अब तो हमारा अक गए हैं, अब तो हम मैच भी नहीं देख सकते, इतना इन्होंने अका दिया हमें। आप इंडिया में जो यूट्यूबर्स है ना, वो बहुत प्यारे हैं, स्पेशली वो क्या नाम उसका, अभिषेक मलहन, इंडियन यूट्यूबर हैं, तो प्लीज मुझे अप्रोच करें। आप क्या कहेंगे? मैं तो उनको बस यही मैसेज दूंगी कि लव एंड पीस, वो भी राइवलरी लगा के बैठे होते हैं, हम तो उनको लाइक करते हैं, उनको वो भी हमें बड़ा लाइक करते हैं, वो उनके इंटरव्यू में इनको बोलते हैं पाकिस्तान के, तो नो नो पाकिस्तान क्या, इनको ऐसे वैसे, हम नहीं, हम प्यार करते हैं, हम इनको सपोर्ट भी करते हैं, हम चिल लोग हैं, उनकी तरह दिल में बातें लेके नहीं फिरते रहते, इजी सीन, वो भी बहुत प्यार करते हैं, थोड़ा बहुत कभी कभार नहीं वो करते हैं प्यार, चले मान लेते। ये बताएं कि पाकिस्तानी जो टीम है टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, तो क्या इस हार का पाकिस्तान के खूबसूरत लड़कियों पे कोई असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, हम प्यारी प्यारी लड़कियों के दिल टूट गए। इतना टाइम निकाल के हम लोगों ने मैच देखा था और पाकिस्तान वालों ने दिल तोड़ दिया। इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखा था आपने? इंडिया और पाकिस्तान का भी देखा था, और पाकिस्तान को USA का भी देखा था, दोनों से हार गए। आपके हंसी में गम छुपा है कि दिल टूटने की सजा? बस दिल टूटा था, फिर कहा हमेशा यही होता, इग्नोर करो। हमारे साथ हमेशा। अच्छा, हिस्ट्री देखी जाए तो अभी तक इंडिया, ये T20 वर्ल्ड कप की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान 8 मैचेस खेले हैं, उसमें से 7 इंडिया जीता और हम सिर्फ एक जीते, शुक्र है एक भी जीत। वैसे बड़ा कहते जज्बे वाली कौम, इंडिया के सामने हमसे बैट तक नहीं उठाए जाते, बस ऐसे ही है ना। आपको पता है सियासत की बातें होती हैं सारी। हाँ, ये भी पहले की डील हुई होती है।
सब हम कहते सबसे हार जाए लेकिन इंडिया से ना हारे, लेकिन हमेशा इंडिया से हार जाते तो फिर हमें बहुत बुरा लगता है। आए इतनी प्यारी प्यारी लड़की, इतनी डेंजरस बातें करी। अच्छा पाकिस्तान तो आउट हो गया टूर्नामेंट से, तो क्या एज अ पाकिस्तानी गर्ल, एज एन एशियन गर्ल, आप क्या आप इंडिया को सपोर्ट करेंगी कि वो T20 में नहीं, मैं देखूंगी, मैच नहीं देखूंगी, मैच ही नहीं देखेंगी, नहीं देखूंगी, पाकिस्तान के लिए देख रहे थे, पाकिस्तानी आउट हो गया फिर किसके लिए देखना है। अच्छा टीम इंडिया बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या आपका एक्सपीरियंस है कि कितना अच्छा वो अभी तक उनकी स्ट्रीक है, कोई मैच नहीं हारे? नहीं, इंडिया के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, वो बॉलिंग में भी अच्छे हैं, बैटिंग में भी अच्छे हैं। आपका फेवरेट प्लेयर इंडियन साइड से कौन है? विराट कोहली। सॉरी पाकिस्तानी गर्ल्स, विराट इतना क्यों पसंद है लड़कियों को? बच्चा खेलता है, प्यारा है, फिट है, क्या क्या अच्छा लगता है? अच्छा खेलता भी है, और वो सबसे बड़ी बात है वो आउट नहीं होता। होता है? नहीं होता, वो 100 स्कोर्स बना के ही होता है, ज्यादा सेंचुरी, ज्यादा उसके दिखे, हाँ वो सेंचुरी के बाद ही आउट होता है, उससे पहले नहीं। अच्छा इनका कहना है कि विराट आउट ही नहीं होता। अच्छा अगर किस्मत ऐसी बदले कि आपको डिनर या लंच का मौका मिल जाए, विराट आपके सामने हो, तो आपके एक्सप्रेशन क्या होंगे और फर्स्ट थिंग जो आपके माइंड में आएगी विराट को देख के वो क्या आएगी? मैं कहूंगी अनुष्का का हस्बैंड मेरे पास बैठा। मौका मिल रहा है, क्या पूछेंगी, क्या क्या फीलिंग होगी उस वक्त? कुछ नहीं, बस उसके साथ डिनर करूंगी और आ जाऊंगी। सो स्वीट। अच्छा जो इंडियन प्लेयर्स की क्लास है, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स की वो क्लास क्यों नहीं, इवन पाकिस्तानी गर्ल्स इनको लाइक नहीं कर रही, क्यों? बस ऐसे ही है ना, शोएब मलिक ने क्या किया, उसने भी दिल तोड़ दिया। हाँ, वो बहुत बुरी। और पूरे पाकिस्तान ने सानिया मिर्जा को सपोर्ट किया, ऐसे ही अभी भी पाकिस्तानी सानिया मिर्जा के साथ ही हैं। बल्कि इवन पूरे वर्ल्ड ने सानिया मिर्जा को सपोर्ट किया है शोएब मलिक का इस काम में, हालांकि उसने नेक हलाल काम किया बट उसका किसी ने साथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया। और मैम देखिए सानिया मिर्जा ने पूरी इंडिया की नाराजगी मोल ली, सबने कहा कि आप पाकिस्तान, क्योंकि वो वर्ल्ड की टॉप क्लास जो थी बैडमिंटन प्लेयर थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं पाकिस्तानी लड़कियां मुझे शादी करनी है, तो आज उन्हें क्या रिवॉर्ड मिला पाकिस्तान की तरफ? नो डाउट सानिया मिर्जा बहुत अच्छी हैं और वो अपने बच्चों की केयर जैसे कर रही हैं, वो बहुत अच्छा एक माँ, एज अ माँ बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही हैं, और अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे, आमीन। मैम अगर लॉयल्टी की बात करें तो आपको इंडियन लड़के ज़्यादा लॉयल दिखते हैं या पाकिस्तानी? ऑब्वियसली इंडियन लड़के ज़्यादा लॉयल होते हैं, पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं होते। इंडियन लड़के कैसे लॉयल हैं? हम कभी पाकिस्तानी लड़के हमेशा दिल तोड़ते हैं, मेरा भी टूटा ना, इसलिए कह रही। कब ब्रेकअप हुआ था, साल याद है? हाँ मेरा हुआ था 2018 में। क्या वजह थी ब्रेकअप की? एमी उसकी शादी हो गई थी, अब तो उसके दो बच्चे। आपकी हुई क्या, आप अभी तक सिंगल? नहीं मैं अभी सिंगल हूँ। इतनी प्यारी लड़की है। अच्छा मैं आपकी मेहंदी की भी तारीफ करूंगी, चांद रात को हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लड़कियां बड़ी प्यारी प्यारी मेहंदी लगवा रही, मैं भी दोस्तों ज़रूर लगवाऊंगी। इंडियन ऑडियंस हमारे चैनल को बड़े शौक से देखती है, उन्हें बड़ा क्रेज़ होता है कि पाकिस्तानी गर्ल्स इंडियंस के बारे में क्या कहती हैं, तो जो लड़के प्यारे प्यारे देख रहे हैं कोई पैगाम दे दें। इंडियन लड़कों पे मुझे फख्र है क्योंकि वो लड़कियों का दिल ही तोड़ते और ऐसी लड़कियों के साथ लॉयल रहे। इवन मेरी अगर कभी किसी इंडियन लड़के से बात भी हुई है तो मैं पूछती हूँ कि आपकी गर्लफ्रेंड है, वो कहते हैं हम उससे से शादी करेंगे जो हमारी गर्लफ्रेंड है। तो इंडियन लड़के लॉयल है, बिल्कुल पाकिस्तानी लड़कियों को प्राउड है। वो कहते हैं हमारे घर वाले नहीं माने पाकिस्तानी, कहते हैं हमारी अम्मी नहीं, बहाना है हम थोड़ा करियर बना लें फिर करेंगे ये वो, सब झूठी बातें हैं। पाकिस्तानी लड़के ये बहाना लगाते हैं, फैमिली नहीं मानी, कैरियर नहीं है, और इंडियन लड़के कमिटेड हैं। कमिटेड है, वो कहते हैं हमने इससे करनी है तो उसी से करते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। पाकिस्तान बाहर हो गया तो आपको क्या लगता है वर्ल्ड कप इंडिया ले जाएगा? हाँ अल्लाह करे, इंडिया हमारा नेबर है। हाँ। अगर पाकिस्तान नहीं जीता तो इंडिया जीत जाए। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने बाद तो यही बोल सकते हैं कि इन पाकिस्तानी लड़कियों को बेचारियों को सदमा लगा है, दुख लगा है, अपनी पाकिस्तान टीम पे इनको भरोसा नहीं है, जज्बे वाली कौम पे भरोसा नहीं है, आसमानी कौम पे भरोसा नहीं है। भरोसा करे भी तो कैसे करे, इनकी पाक आर्मी सरेंडर आर्मी है, इनकी क्रिकेट टीम सरेंडर आर्मी है, इनकी क्रिकेट टीम को अब यार पाकिस्तान आर्मी ने ट्रेनिंग देके भेजा था वर्ल्ड कप जीतने के लिए, ये उससे जो खेलते थे ना उससे भी ज्यादा बदतर हो गए। सरेंडर आर्मी का कुछ तो असर आएगा, उन्होंने भी सरेंडर किया हुआ है, ये भी सरेंडर कर दिया है। भारत से जीता हुआ मैच था पाकिस्तान का, 17-18 ओवर तक पाकिस्तान के हाथ में था, पाकिस्तान पूरी तरह डोमिनेट कर रहा था, लेकिन देखो सरेंडर आर्मी है तो सरेंडर कर गई। और तो और इससे ज्यादा बेशर्मी की क्या बात हो गई, यूएसए से हार गए। ऐसी लानतान टीम है ये। और आप इन पाकिस्तानी लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
है।